हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बुस्कर आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ब्लॉग चैनल पे, जिसका नाम है डे अनदर डे। मैं हूं भुवनेश्वर से अभी फ़िलहाल, और मैं आपको आज की शाम लेकर जाने वाला हूं एक बहुत ही खूबसूरत स्पॉट पे, जो कि सिटी के बीचों बीच है। आप अगर भुवनेश्वर आते हैं या फिर भुवनेश्वर से हैं, तो ये जो है एक प्लेस है राम मंदिर करके, जो मस्ट विजिट प्लेस है। तो मैं आपको राम मंदिर नहीं ले जाऊंगा आज, मैं आपको वहाँ के एक और स्पेशल जगह पे लेकर जाऊंगा, जिसका नाम है खाओ गली। ये भुवनेश्वर का खाओ गली है, दिल्ली की पराठे वाली गली को याद मत करना, ये भुवनेश्वर का खाओ गली है। और वहाँ से जाने से पहले हम लोग जाएंगे एक एग्जीबिशन में, जो कि अभी अभी लगा हुआ है यहाँ पे भुवनेश्वर में। बेसिकली वहाँ पे एक संगम है मॉडर्न डेज कस्टमर्स और ओल्ड डेज सेलर्स का। वो ऐसे है कि ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और यहाँ पे जो चीज़ें बेची जाती हैं, जिनको एग्जीबिट किया जा रहा है अभी, वो काफ़ी यूनिक हैं। लाइक हैंडीक्राफ्ट है, साड़ी है, जो सिल्क साड़ी होती है, संबलपुर का फैब्रिक नामी है, आपको पता होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं जो देखने लायक हैं और ख़रीदने लायक है बेसिकली, और ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर ख़रीदना चाहिए इनको, क्योंकि अगर हम नहीं ख़रीदेंगे तो कौन खरीदेगा यार। हमें ज़रूर ख़रीदना चाहिए इन सब चीज़ें। अभी ऑन द वे हूँ, रास्ते में हूँ, सामने मेरे हाईवे है, और हम लोग जा रहे हैं अपने मंजिल की तरफ। खाओ गली की बात कर रहा था दोस्तों, ये यही है। मैं यहाँ भी आपको लेकर आऊँगा, बट थोड़ा सा सब्र कीजिए, अभी चलते हैं एग्जीबिशन ग्राउंड की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो आई हैं। कोरोना को लेकर काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब तो हो गई हैं, बट स्टिल लाइफ इज गोइंग। ये एक ऐसा नज़ारा है, एक ऐसा जगह है जहाँ पे आप उड़ीसा के कल्चर को काफ़ी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। ये है वन फेमस एक अमरा हाट, हम लोग अभी इसके अंदर जाएंगे, मैं पार्किंग ढूंढ रहा हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अपने मंजिल पे फाइनली, दैट इज़ एक अमरा हाट। हम लोग आपको लेकर साथ में अंदर जाएंगे और अंदर एक्सप्लोर करेंगे कि क्या सब चीज़ें ऑफ़र की जाती हैं जनरल पब्लिक के लिए, और ये एक्चुअल में कितनी फ़ायदेमंद साबित होती है हमारे लिए और बेचने वालों के लिए भी। ठीक है, चलें। गाइस, यहाँ से एंट्री है और ये खूबसूरत से लालटेन आप देख सकते हैं। ये लोकल मेड है, ये यहीं पे बनते हैं पिपली में। इनका ओरिजिन या फिर पिपली में मेजरली बनाया जाता है इसको। और ये टंगे हुए पैरों के साथ वाकई बहुत खूबसूरत लगते हैं, किसी भी एम्बियंस को चार चांद में बदलने का कुबत रखते हैं ये। विल गो दिस वे फर्स्ट। दोस्तों,
एक चीज़ तो अप्रिशिएट करनी पड़ेगी, कितना क्लीन, कितना साफ सुथरा है ये, एक फेयर है, ओके कितना खूबसूरत है यार, कम ऑन, कांट बिलीव माई आईज। ये जो सारे स्टॉल्स आप देख रहे हैं, ये सारे गवर्नमेंट सपोर्टेड स्टॉल्स हैं, और ये जो कपड़े आप देख रहे हैं बॉस, ये सब लोकल मेड है, सुनिए। और इनका एक्साइटमेंट लेवल तो अलग ही लेवल का है, क्यों वो छोटी बच्ची को देखकर, इसको देखो बुला रही है हाँ, नहीं सुनेगी तुम तो सकट। ये कॉटन है ना बॉस, हाँ हैंडमेड कॉटन ना पूरा करगा के, वो आफ्टर डिस्काउंट 20% डिस्काउंट, अच्छा है इसका सिल्क बहुत अच्छा होता है, सिल्क देखते सिनेमा दिखता है, बहुत स्टॉक है, स्टॉक तो बहुत है, ब्लू कलर देखेंगे वो वाला ब्यूटी का, नहीं ब्लैक मत दिखाना, ब्लू विद येलो, ये कलर कॉम्बिनेशन में और दूसरा कोई होगा कितना है इसका, 13,000 ना, क्या होगा सामने आएगा। गाइस अभी आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ का अरेंजमेंट है, अभी मैं आपको अंदर चलता हूँ, यहाँ से राइट मुड़ने के बाद ठीक सामने ओपन एयर थिएटर, ट्रेडिशनल ओडिया एंड इंडियन फूड, हैंडलूम्स, एवरीथिंग इज देयर टू एंटरटेन योर वी इवनिंग। रियली काफ़ी खूबसूरत जगह है, यहाँ पे आओ अगर आप तो कितने चक्कर लगाएंगे कुछ पता नहीं चलेगा। एंड ये देखो बीवी इतनी खुश है, ये इतने सारे लाइट्स देखकर इसकी खुशी का अंदाज़ा नहीं है कि किसे देखे किसे छोड़े ये आपके रिफ्रेशमेंट के लिए कॉफी शॉप है यहाँ पे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा एम्बियंस है, देख रहे हैं और दिस वे ये होटल, द होटल पेट पूजा, खाने के शौकीनों का अड्डा। कश्मीरी शॉल्स, सारीज, कालीन एंड मेनी मोर, ओपन स्पेस थिएटर, खुला आसमान, यहाँ पे परफॉर्म करते हैं आप, इधर से बैठ के देखते लोग,
है ना कमाल। कुशन कवर, ये कुशन कवर 220 का पर पीस। क्या मटेरियल यूज करते हैं? ये रेशमी धागा प्लस कॉटन। अच्छा, धागे का काम है, कॉटन का बेस है, मिरर के ऊपर, मतलब मशीन का काम नहीं है। अच्छा, ये मिरर है, हैंड वर्क है। ये सारे हैंडमेड है। अच्छा, पूरी से ये वॉश का कितना कीमत है भाई? 8,500। मटेरियल क्या है उसमें? ब्रास का है। और ये छोटे वाले लोग का? 3,500। ये वाला 3,500। दोस्तों, अभी हमने देखा एक अमरा हार्ट, और एक अमरा हार्ट का दर्शन करने के बाद हमें पता चला कि अभी जो एग्जीबिशन है वो फोकस्ड है टेक्सटाइल के ऊपर, तो टेक्सटाइल हैंडलूम के ऊपर, जो हमारा उड़ीसा का प्रोडक्ट होता है यहाँ का, लाइक संबलपुर है, पूरी है, जो लोकल प्रोडक्ट्स होते हैं उनको अप्रिसिएट किया जाता है। कुछ कश्मीरी स्टॉल भी देखा आपने। तो अब मैं लेके चलता हूँ आपको जो यहाँ की खाओ गली है, जो काफ़ी फेमस सी हो गई है अब, और पहले के मुकाबले बहुत चेंज हो गई है। पहले तो ऐसे ही छोटे छोटे स्टॉल हुआ करते थे, बट अब क्या है, अब प्रॉपर तरीके से लगता है कि हाँ, एक ईट डेस्टिनेशन है भुवनेश्वर के अंदर, खाओ गली फेमस है। चलो मैं आपको लेकर चलता हूँ। तो एग्जीबिशन ग्राउंड से निकलने के बाद सीधा राम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे, तो ये लिफ्ट लेना है, फर्स्ट लिफ्ट लेना है आपको। और ये है फूडियों का अड्डा। यू कैन सी यहाँ पे सारे फूडी लोग वेज नॉन वेज सब कुछ खाते हैं, सारा आइटम मिलता है भाई। क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा डाइट मेंटेन कर रहे हैं, बाहर का खाना कम कर रहे हैं, काफ़ी वजन बढ़ गया है हमारा तो मैं लाइव कुछ दिखा नहीं पा रहा हूँ आपको रुक कर खा कर। हालांकि यहाँ पे टेस्ट बहुत अच्छा रहता है, वो क्राउड बता दे रही होगी आपको। यहाँ पे देखो कितने क्राउड है, अर्बन फ्लेवर फूड फैक्ट्री पीछे की तरफ। तो ये पूरा जो स्ट्रेच है वो फूड जॉइंट के नाम से है मशहूर, कबाब्स, अल अरबिया, अफगानी सरवाना, टंगड़ी,
और आप देखते जाएंगे ये लाइन ख़त्म होती है। अब यहाँ पे आके काफ़ी सारे स्टॉल्स बढ़ते जा रहे हैं, दिन प्रतिदिन ऐड होते जा रहे हैं। देखो कितना खूबसूरत है। ये लास्ट स्टॉल है यहाँ पे फिलहाल, अभी लास्ट है। ये सब बन के पड़ा हुआ है, इनको अभी क्लेम नहीं किया गया, जल्द ही क्लेम हो जाएंगे ये सारे भी। तो दोस्तों अभी अब आपने देखा हमारे साथ राम मंदिर का एरिया। दोस्तों तो आप से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा, और होप करता हूँ कि आपको सारा इनसाइट दिया है मैंने आज आपको। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हे गाइस, हम लोग बेड पे आ चुके हैं, अभी रात का लगभग 11 बजने वाला है और बेबी सो गई है, जस्ट सोई है। आप बेबी देखो पूरा नहीं सोई है, और बेसिकली थिंग ये है कि अंजलि को आ गया है फीवर, पता नहीं कैसे, बट आई थिंक कि जो ये वेदर चेंज है, वेदर चेंज का असर कुछ है, तो मे बी हो सकता है कि कुछ वायरल फीवर वगैरह हो। तो अभी पैरासीटामोल वगैरह दिया है, लाइक 100 के अराउंड है फीवर। अभी हम बस वेट करते हैं मॉर्निंग तक का, कि मॉर्निंग में क्या रहता है। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। अलविदा, गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय।